पुलिस पुलिस फिर आपको लेकर गई और आपके साथ भी जो लोग आए थे उनके साथ क्या सलूक किया? पुलिस पुलिस जो मुझे ले गई थाने पे, उन्हीं ने मुझे बैठा दिया। उस महिला की रिपोर्ट लिखी गई, मेरा कोई बयान नहीं लिया। उस महिला की रिपोर्ट लिख के मुझे 151 की धारा में भेज दिया। हेलो फैमिली, कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे यार। और यार एक बात मैं बोलना चाहता हूँ यार, मैंने एक वीडियोस देखा, काफ़ी मतलब दिनों से देख रहा हूँ अभी मैं। एक मतलब लड़की होती है जो रोड क्रॉस कर रही होती है और एक टैक्सी ड्राइवर आता है, वो गाड़ी को रोक देता है, मतलब वो क्रॉस कर रही होती है और एकदम से क्या होता है कि वो लड़की आती है, अपने वीडियो शायद देख रखी हो, एक लड़की आती है और उसको निकालती है बाहर, उसका फ़ोन तोड़ देती है, उसको मारती है और वहाँ पे मतलब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पे और सारे देखते हैं मतलब, और लड़की को मतलब वो मार रही होती है और सभी को पता है कि लड़का जो है वो गलत नहीं है, लड़की गलत है, पर फिर भी मतलब वो देख रहे होते हैं। वहाँ पे मैंने देखा वीडियो में कि वहाँ पे जो है पुलिस वाले भी हैं आसपास, जो जो भी चलान वाले हैं या कुछ वैसे पुलिस वाले भी देखे मैंने कि वो साइड में कर देते हैं भाई, लड़के को भी समझ सकते हो, लड़की को भी, कि भाई यहाँ पे लड़ो आप। अरे भाई मैं उस लड़के को बोलना चाहूँगा, भाई तू अगर गलत नहीं है तो भाई तूने दूसरा थप्पड़ खाया क्यों? अगर मैं या मेरे जैसा भी कोई अगर वहाँ पे होता तो भाई तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और तो भाई क्या ही कर सकते, अभी तो सभी तो लड़के के साथ हैं, मुझे भी लगता है कि लड़का यार सही है, तो सपोर्ट करो यार उसको। एंड अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो मैं अभी यहाँ पे भी प्ले कर चुका हूँ, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं पूरी वीडियो, वहाँ से वॉच कर लेना क्या सीन है क्या नहीं है। यार न्यूज़ में भी तो काफ़ी चल रहा है, अगर न्यूज़ देखते हो आप तो आगे अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं, ये सब तो चलते रहता है यार, और ऐसे ऐसे सीन होते रहते हैं। कभी कोई लड़की पिज्ज़ा घर में मंगवा के उसको मार देगी और कभी रोड में चल रही टैक्सी वाले को निकाल के मार देगी, तो ऐसे ऐसे सीन होते रहते हैं, अभी क्या ही कर सकते हैं। और तो सभी ठीक ही हो तो ब्लॉग अपने शुरू करते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा बाज़ार में चलते हैं, वहाँ से सामान लेके आते हैं और आगे का ब्लॉग देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो चलते हैं। Run. तो भाई देख सकते हैं अभी सनसेट होने वाला है और ये राजू शर्मा हमारा आ चुका है अभी, तो वो देख सकते हैं सनसेट। और हमारे हाथ में क्या है भैया? अभी केक लेके आ चुके हैं अभी हम, और ये भी आ रहा है कि तेरा नाम क्या है छोटे? और ये अक्षय कुमार आ गया अपना बॉलीवुड वाला शर्मा। और दीप बाबा आ रहा है पीछे पीछे, और पीछे और भी आ रहा है, क्या नाम है भाई तेरा? और विक्की ठाकुर भी आ रहा है। तो भाई देख सकते हैं अभी पीछे सनसेट हो रहा है और अभी हम बाजार से घर वापस आ रहे हैं, और देख सकते हैं भाई सामने केक है, क्योंकि आज हमारे जो गाँव में ब्रदर है छोटा, उसका है बर्थडे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे आज शाम को। तो अब चलते हैं घर में, देखते हैं कैसा माहौल रखा है और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं। रात का सीन देख सकते हो आप, और रात के अभी 10 बजने वाले हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो वो घर है थोड़ा सा ऊपर, अभी जा रहे हैं हम, उसका नाम है डेवल, तो चलते हैं उसके घर जल्दी से, फिर पार्टी शुरू करते हैं, तो इनवाइट किया तो जाना तो पड़ेगा, चलें आजू। चलो चलो फिर। सो भाई अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है और मैं भी अभी टॉर्च जला लेता हूँ, और देख सकते हो आजू आगे आगे चला गया है, और यार अंधेरे में जा रहे हैं हम, पूरा यहाँ पे मक्की वाला सीन हो रखा है, मक्की काफ़ी ज़्यादा है रास्ते में। तो भाई वो देख सकते हो वो जो लाइट दिख रही है, अभी सामने जाना है, और नीचे से हम क्रॉस करके आ चुके हैं, ये पीछे देख सकते हो टॉर्च वाले सभी आ रहे हैं, हमारे दोस्त मित्र। तो भाई अंधेरा हो रखा है और पार्टी में जा रहे हैं सभी उत्सुक होके, और पीछे से भी आ रहे हैं, तो चलते हैं अभी माहौल बनाते हैं वहाँ पे, और काफ़ी सारे पहुँच भी चुके होंगे, और धामधूम वाला की भी प्रोग्राम रहेगा, और डीजे डूजे वाला भी प्रोग्राम रहेगा, और अभी आ रहे हैं लड़के काफ़ी सारे पीछे पीछे, नहीं तो मिला देता मैं अभी। तो ये जो बंदे हैं एक कैमरे के सामने, क्या नहीं कर पाते भाई आप,
कन्फर्ट बोलो भाई, क्या बोलना चाहते हो भाई? तो भाई आप हिमाचल वाले को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैसेज कीजिए और वो आपको आपसे बात कर लेंगे। आओगे आप? रामदेव भाई, हम अभी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे धामदेव वगैरह खा रहे हैं, काफी सारे खा भी बैठे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सामने ये कुछ घर है यहाँ पे, और जिसका आज बर्थडे उससे भी मिलाते हैं। और ये हमारे मयंक शर्मा और सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे मतलब डीजे डीजे वगैरह लगेंगे, वो शायद ऊपर है वहाँ पे, मिलाते हैं थोड़ी देर में आपको। फिलहाल तो भाई सारे के सारे खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो प्रोग्राम शुरू होगा। और जो है जिसका बर्थडे है वो भी हमें मिला नहीं, पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं सभी उतर रहे हैं, खाना वहाँ पे खाएंगे हम। गुड इवनिंग। तो भाई सुबह मत समझना, अभी काफ़ी देर हो चुकी है और सुबह मैं ब्लॉग को शुरू नहीं कर पाया। और आप ये भी सोचे होंगे कि भाई आप तो बर्थडे पार्टी में गए हुए थे और केक उक तो कटा नहीं भाई, तो ये क्या सीन हो गया है? तो भाई अब मैं उन लोग को बता दूं, केक कटा था, सब कुछ हुआ था, वहाँ पर हम नहीं थे। उसका भी रीज़न है क्योंकि भाई होता ना कि कहीं ना कहीं हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं चाहते, नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं। तो भाई मैं वहाँ पे ब्लॉग वगैरह छोटी मोटी क्लिप्स शूट कर रहा हूँगा, तो भाई पीछे से कमेंट आ गया भाई, तो आपका भाई वहाँ पे थोड़ा सा मतलब नर्वस फील हो, डीमोटिवेट सा हो गया। और भाई फिर मैं नहीं रुका वहाँ पे, आ गया, किसी को कुछ बताया नहीं मैंने, और कुछ लोग नाराज़ भी हुए होंगे और उनसे हम सॉरी फील करता हूँ मैं यार, समझ सकता हूँ। और भाई यही है ना कि कुछ लोग अच्छे भी आते हैं लाइफ में, कुछ लोग बुरे भी आते हैं, तो आपको फेस तो करना ही पड़ता है। तो ये कोई सीन नहीं है, पर्सनल मैटर था, जो कुछ था मैंने वो क्लोज कर दिया। और ब्लॉग को अभी आगे की तरफ लेके जाते हैं, घर में काफ़ी सारा काम लगा हुआ है और एक फंक्शन भी आने वाला है, और मैं आने वाले दिनों में आपको बता दूंगा। और उसका काम लगा हुआ है, बिल्डिंग वगैरह का, थोड़ी सी सीढ़ी सूढ़ियाँ लगा रहे हैं यहाँ पे, और प्लास्टर का वगैरह वगैरह बहुत सारे काम जो है लगे हुए हैं। आपका भाई थोड़ा सा बिजी आ रहा है इस टाइम पर, मैं कोशिश करूँगा कि ब्लॉग आपके लिए डालता रहूँ। और ब्लॉग डालने की तो मैं फुल कोशिश करूँगा, क्योंकि आजकल तो मैं आप देख रहे हो कि मैं डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ आपके लिए, तो भाई को अपने सपोर्ट जरूर से करना है। और गाइस एक और ज़रूर बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा कंटेंट या कह सकते हो कि मेरी वीडियोस या मेरे व्लॉग्स उन लोगों के लिए रहते हैं जो कि पहाड़ी कल्चर देखना चाहते हैं, उनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनको पहाड़ी कल्चर देखना। और दूसरा कि वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमारा पहाड़ी कल्चर जो है आगे जाए, या फिर आगे देखें, लोग देखें कि हमारे पहाड़ी कैसे मतलब सर्वाइव करते हैं, और कैसे भी कोई भी फंक्शन हो तो उसे कैसे इन्जॉय करते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इन मतलब ये कल्चर जो है, इस कल्चर काफ़ी डिफ़िकल्ट कल्चर है और काफ़ी कुछ होता है इसमें। अभी मैंने आपको 10% भी नहीं दिखाया है। और वही बात है कि जो सपोर्ट नहीं करता है तो वो भी क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती का तो कोई काम नहीं रहता इस चीज़ में। अब ये भी है ना कि जिनको पसंद आएगा वही देखेंगे, और मेरा ब्लॉग तो उन लोगों के लिए ही रहता है जो पसंद करते हैं, और मैं काम भी उन्हीं लोगों के लिए करता हूँ जो सपोर्ट करते हैं और जिन्हें देखना अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए काम नहीं करता जिनको अच्छा नहीं लगता है देखना, ब्लॉग्स मेरे पसंद नहीं आते हैं, तो वो भाई ज़्यादा सोचे ना बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल भी मेरा कंटेंट नहीं है। मेरा कंटेंट उन लोगों के लिए है जो देखना पसंद कर रहे हैं, जिनको पहाड़ी कल्चर पसंद है। एंड आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग मस्त लगे तो शेयर ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि शेयरिंग की ज़रूरत है हमें अभी इस वक्त स्टार्टिंग में। तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय, सेफ लाइफ सेफ ड्रीम, बाय।